Dreamers, welcome back to my channel. So today I'm preparing fruit custard. तो यहाँ मैंने पहले ले लिया है 400 ml का मिल्क. इसको थोड़ा सा हीट करेंगे. तो अभी ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर. ये मैंने ऑनलाइन लिया था, इस पर कोई शुगर ऐड किया नहीं हुआ है और ये फ्लेवर वनीला है. आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट हो. तो 400 ml के लिए मैंने 2.5 स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है. आप अगर थोड़ा सा और थिक करना चाहते हो 3 या 4 स्पून टेबल स्पून दे सकते हैं. और इसको कंटिन्यूस स्टीर करते हुए जाना है, मतलब लम्स नहीं होना चाहिए अंदर. कंसिस्टेंसी को मैं थोड़ा पतला ही रख रही हूँ क्योंकि ये अगर रेफ्रिजरेट होगा तो ऑलरेडी और थोड़ा सा थिक हो जाएगा. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे जैगरी ऐड करना है. आप कोई भी स्वीटनिंग का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, शुगर, हनी या फिर शुगर फ्री जो टैबलेट्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. और हनी आपको रूम टेम्परेचर के अंदर ही यूज़ करना है, उसको हीट या रेफ्रिजरेटर मत कीजिए. क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कि हनी को अगर टेम्परेचर चेंज मतलब हीट या फिर रेफ्रिजरेटर करेंगे तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, सो मत करना. तो ये मैं 2 या 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी. आपको अगर ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं. और ये 2-3 घंटे बाद ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ गया है इसका. तो यहाँ मैंने फ्रूट्स काट लिया, मैंगो, बनाना, रेजन, आमंड, ड्राई स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट, कीवी एंड एप्पल. तो आप ग्रेप्स भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास ग्रेप्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं दिया. और कैजूज भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ मैं पहले लेयर फ्रूट्स की दे रही हूँ. फ्रूट्स अच्छी तरह से लेयरिंग हो जाने के बाद इसके ऊपर मैं कस्टर्ड मिल्क दे रही हूँ. पूरा कवर कर देना है फ्रूट्स को.
कस्टर्ड मिल्क की लेयरिंग के बाद इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स और पोमोग्रेनेट दे दूंगी। So it's ready to serve, healthy, tasty fruit custard. So that is for today. I'll see you in the next video. Keep loving, keep sharing.